अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। अच्छा जी, अभी अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर और नवंबर में अगर आप यूट्यूब पे जाएं और आपको नज़र आएगा कि आप अपने घर के छत पे जो है वो गमलों में ज़ाफ़रान लगाएं और करोड़ों कमाएं और लाखों कमाएं, घरों की छतों पे ज़ाफ़रान लगाएं, बेड के पलंगों के नीचे लगाएं, खिड़कियों में, दीवारों में, जहाँ भी लगाएंगे आपको करोड़ों रुपये मिलेंगे। और ये दावा वो लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने कभी हकीकी ज़िंदगी में घर की छत पे कद्दू भी नहीं उगाए होते। तो उस तरह की बातें करते हैं जो लोग जिन्होंने यूट्यूब पे ही ज़ाफ़रान की शक्ल देखी होती है, उससे पहले उन्होंने हकीकी ज़िंदगी में ना ज़ाफ़रान देखी होती है और ना उसका पौधा और ना बल्ब और ना कुछ। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल गलत और झूठ है। असल में दो वजूहात हैं इसकी, एक होता है वीडियो चलाना, दूसरा है बल्ब बेचना। तो जो बल्ब बेचते हैं उनको ये उन्होंने कसीदे पढ़ने होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लगाएं और उनको फ़ायदा हो। बाकी दूसरी जो चीज़ है ज़ाफ़रान के लिए, दुनिया में जो नंबर वन ज़ाफ़रान है वो जनाब स्पेन की है और उसके बाद ईरानी ज़ाफ़रान जो है वो फेमस है। तीसरे नंबर पे इंडिया कश्मीर, इंडियन मकबूजा कश्मीर में जो ज़ाफ़रान पाई जाती है वो दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तानी ज़ाफ़रान का कहीं नामो निशान भी नहीं है दुनिया में, और ये मैंने बाहर जो है वो मार्केट में खुद देखा था कि वहाँ पे जो मैंने तरतीब आपको बताई है ऐसे ही रेट भी इसी तरह हैं। स्पेन वाली जो है वो सबसे महंगी और बाकी जो है उससे कम। तो पाकिस्तान में अगर बात करें ज़ाफ़रान की काश्त की, बिल्कुल हो जाती है और इसमें कोई शक नहीं, उगाती है और सारा कुछ हो जाता है, लेकिन वो हमारा जो मौसम है ख़ास तौर पे पंजाब का, जो मैदानी पंजाब है या जनूबी पंजाब, वो बिल्कुल ज़ाफ़रान वाला नहीं है। आप घरों की छतों पे लगाएं या चाहे इसको खेतों में जहाँ मर्जी लगाएं, जैसे ही इसका तैयार होने का टाइम होता है मार्च में, गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर जो रवायती यहाँ की फसल है गंदम, उसका दाना खुश्क हो जाता है। तो ज़ाफ़रान क्या चीज़ है, बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं देगी। और अगर आप उसकी इतनी ज़्यादा केयर करें कि टेम्परेचर कंट्रोल करें तो उसका उस पर ख़र्चा इतना हो जाएगा कि आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो बिल्कुल ये गलत बात है। आप मौसम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ज़ाफ़रान के लिए। गर्मी पड़ जाए तो ये सूख जाती है, इसकी पोलिनेशन नहीं होती, तो जिसकी वजह से ये आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देगी। तो ऐसी बातें बस सुन लिया करें, अच्छी होती हैं सुनने में कि लाखों और करोड़ों कमाने वाली। पाकिस्तान में ठंडे इलाके जो हैं, शिमाली इलाका जात, वहाँ पे हो सकती है, पहाड़ों में इसकी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं पंजाब के, यहाँ पर उगाएगी लेकिन वो आपको देगी कुछ नहीं। तो पैसे भी बचाएँ और अपना टाइम भी बचाएँ, जिस तरह लहसुन के साथ हुआ। अभी जो G1 लहसुन है उसके साथ भी यही होने वाला है अगले साल तक। उसको भी पूछने वाला कोई नहीं होगा जो महंगा बीज लगा रहे हैं, लेके इस साल भी लगा रहे हैं, तो उसका भी यही होने वाला है। इसी तरह ब्लैक जो वीट है, काली गंदम, उसकी भी यही हकीकत है। तो ये चलता है पाकिस्तान में, इसलिए आप एहतियात करें। शुक्रिया।